लास्ट टाइम स्टूडेंट्स के साथ मैं बैठा था तो बात स्क्रिप्ट पे होना शुरू हो गई ना, तो उस पे बेसिकली एक स्टूडेंट छोटा सा एक स्क्रिप्ट लिख के लाया हुआ था, तो उनको खैर मैंने कहा एक तो ज़ाहिर है मैं एक बड़ी लंबी चौड़ी एक वीडियो है, लंबी चौड़ी मतलब 15-1 मिनट की है खैर, जो पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग पे ही है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सो उस पे काफ़ी बात की है मैंने उसमें। सो मैं उस सारी तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन ये कि जो अभी उनसे बात हुई कि स्क्रिप्ट राइटिंग में, अच्छा यंग लोग जो हैं, नए लोग जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसमें क्या होता है कि वो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें एक इवेंट्स का सीक्वेंस, एक इवेंट बहुत इंटरेस्टिंग सी कुछ चीज़ हुई, फिर कुछ और वाक्य हुआ, फिर कुछ और वाक्य हुआ, सो ऐसे एक सीक्वेंस तो वो बना देते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स या इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन एक फिल्म के लिए या एक प्ले के लिए या इवन अगर आप नावल लिख रहे हैं तो ये सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो रैंडम से इंसिडेंट्स जिनको आप पुट टुगेदर कर देते हैं और उससे कोई कहानी बन जाती है, वो कहानी इंटरेस्टिंग हो सकती है, लोग हो सकता है उसे देखें या पढ़ें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी कहानी लिखें या ऐसा ड्रामा या फिल्म तैयार करें कि जो ज़रा लॉन्ग लास्टिंग हो, जिसकी लाइफ हो, जो आज से 5 साल 10 साल या 50 साल बाद भी लोगों के लिए रेलेवेंट रहे, तो उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप महज वाक़यात का एक सीक्वेंस नहीं पेश कर रहे होते लोगों के सामने, वाक़यात का वो जो सीक्वेंस आप बना के पेश कर रहे हैं लोगों के सामने, उसमें से कोई पॉइंट निकलता है, कोई बात निकलती है, जिसको सादा ज़ुबान में आमतौर पे आपने सुना होगा जब आप किसी को कहानी या कोई वाक़या सुनाते हैं तो आखिर पे लोग पूछते हैं अच्छा फिर मॉरल ऑफ़ द स्टोरी क्या है, तो मॉरल ऑफ़ द स्टोरी क्या है, उसमें से आप व्हाट इज़ द पॉइंट दैट यू आर ट्राइंग टू मेक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं आमतौर पे ये मशवरा देता हूँ कि अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले जब आपको स्क्रिप्ट लिखना शुरू करने लगे तो सबसे पहले ये सोचें कि आप लोगों से कहना क्या चाहते हैं, बुनियादी बात है क्या जो आप लोगों से कहना चाहते हैं, फिर वो बात कहने के लिए आप वाक़यात जो हैं वो गढ़ते हैं, उन वाक़यात को एक ख़ास तरतीब देते हैं ताकि उनमें से निकल के वो पॉइंट जो है लोगों पर वाज़े हो जाए। इसकी एग्जांपल्स अगर मैं दूँ, बॉलीवुड ज़्यादातर मेरे देखने वाले जो हैं वो बॉलीवुड फिल्में देखते होंगे, सो वहीं से एग्जांपल देता हूँ। मसलन मुन्ना भाई MBBS बहुत एक हिट फिल्म थी अपने दौर की, और उसे अगर आज आप दोबारा भी देखें तो आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगी और आप दोबारा देखना चाहेंगे। या PK एक और इसी तरह की फिल्म है, तो उसमें बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन क्या वो वाक़यात रैंडम वाक़यात हैं मुन्ना भाई MBBS में, या उन सब से मिल के कोई नतीजा निकल रहा है, कोई बात हो रही है, और चूंकि उसमें से कोई नतीजा निकल रहा है आखिर पे आके किसी पॉइंट पे आप पहुंच रहे हैं, इसलिए वो आपको दिलचस्प लगता है और आपकी अटेंशन बरकरार रहती है, और इसीलिए आप उस, चूंकि उसमें एक बहुत सीरियस इशू को एड्रेस किया गया है, सो उस इशू पे आपको बार बार सोचने पे मजबूर करते हैं, जब आप दोबारा देखते हैं तो आपको फिर उस इशू का कोई नया एंगल, कोई नई चीज़ जो है आपके सामने आती है। PK एक और इसी तरह की फिल्म है जिसमें रिलीजियस हिपोक्रेसी का सब्जेक्ट मैटर है, उस पर बात की गई है, तो उसमें इवेंट्स तो बहुत सारे हो रहे हैं लेकिन वो वन वे आर द अदर रिलीजियस हिपोक्रेसी के साथ कनेक्टेड है। सो ये आपने ख्याल रखना है कि आपने कोई इशू उठाना है, उस पर आपका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए जो आप लोगों को देना चाहते हैं, और वो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत शैलो सा नहीं होना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपने उस इशू को बहुत थारोली पढ़ा हो, समझा हो, लिव किया हो, फिर आप उस पर एक अच्छा स्क्रिप्ट लिख पाएंगे, वरना बड़ा सतही सा स्क्रिप्ट होगा जिसमें कुछ चीज़ें बस हो रही हैं और फिर आपको समझ नहीं आ रही होगी कि यार ये लोगों को क्यों अच्छा नहीं लग रहा इसमें क्या। और सच्ची बात यह है कि आपको खुद भी वो क्या, आप ज़रा उसको दोबारा ज़रा 2-3 दफ़ा और पढ़ के देखें कि आप बार बार पढ़ पाते हैं उसे, या आपका दिल चाहता है कि बस ठीक है छोड़ दें, और अगर आप खुद उसे 3-4 दफ़ा नहीं पढ़ पाते तो फिर यकीन रखें कि और लोग भी उसे ना पढ़ पाएंगे ना देख पाएंगे।